नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ईडी स्कूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड के मेन मेनू और उसके सब मेनू के नेम को चेंज करना और उसे डिलीट करना बताएंगे। ये कैसे होगा? सबसे पहले आप ये जान लें, किसी भी वर्ड 2010 हो या 2007 हो या कोई भी वर्जन का हो, तो आप सबसे पहले फाइल मेनू या ऑफिस बटन यहाँ पे दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। फाइल मेनू को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको कहीं ना कहीं एक जगह ऑप्शन दिखाई देगा बटन, उसे आपको क्लिक करना है। ये देखिए आपका ऑप्शन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसका नाम है वर्ड ऑप्शन। इसमें आपको काफ़ी सारा टैब दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कस्टमाइज रिबन। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं पॉपुलर कमांड्स जो है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, वो चीज़ दिख रहा है। और इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल कमांड्स, ये इसमें जो है जितने भी वर्ड के कमांड है वो सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। तो कुछ ऐसे ऑप्शन है इसमें कमांड जो यहाँ पे आप मेन मेनू देख रहे हैं, इसके सब मेनू में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से आप इसको इसमें ऐड करके यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये बताएं कि जो आप मेन मेनू यहाँ पे देख रहे हैं, फाइल, होम, टैब, फिर इंसर्ट टैब, फिर पेज लेआउट है, ये सब कुछ देख रहे हैं, वही मेनू जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी ऑप्शन ऊपर यहाँ पे दिख रहा है वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो हम चाहते हैं कि इस होम मेनू को जो है कोई और नेम से चेंज कर दें। तो क्या करना है उसको, सबसे पहले यहाँ पे जो होम बटन दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका रीनेम का, रीनेम कर देंगे, जो भी आपको रीनेम करना है आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंडिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जब यहाँ पे फाइनली हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन मेनू चेंज हो जाएगा। इसके और भी इंसर्ट है, अगर हम चाहते हैं कि इंसर्ट यहाँ पे ना दिखे, इसको हम हाइड कर दें, तो इसे भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे है शो टैब, इस पे आपको क्लिक कर देंगे ये हाइड हो जाएगा। अब दूसरा है पेज लेआउट, इसे भी हम चाहते हैं कि नहीं लाना, तो इस पे शो टैब पे आप यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। देख रहे हैं शो टैब जो है वहां पे हट गया है। फिर और ये चाहते हैं रेफरेंस और मेलिंग है, इस मेलिंग के नेम को चेंज करना, तो हम यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको कुछ भी टाइप करना है, जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। इसे मान लीजिए हम राजू के नाम से सेव कर सकते हैं, राजू पे क्लिक किए, यहाँ पे ये हो गया आपका राजू। फिर रिव्यू ऑप्शन है, इसको हम चाहते हैं हाइड करना, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। मतलब इस मेन मेनू में जो सबसे ऊपर आप फ्रंट पे देखते हैं यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी तरह जितने भी ऑप्शन है आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये मैंने इसे चेंज किया था, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन दिख रहा है। इसके सब मेनू ये है, जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये रेफरेंसेस के सब मेनू है। तो इसे भी हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव परमानेंटली नहीं होता है, फिलहाल हम इसे कस्टमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ ये मेन मेनू है इसके सब मेनू में भी वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो अब हम इसे देख लें क्लिक करके, ओके का बटन चुनाव करके, तो फाइनली हमें दिख जाएगा कि इसमें क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो मेन मेनू था आपका ये चेंज हो गया है। उसी तरह फिर आप और एक और चीज़ देख लें, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर कस्टमाइज रिबन। अब यहाँ पे जो भी हाइड किए हैं फिर उसे लाना चाहते हैं फिर यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं। और एक और फाइनली मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसको जितने भी हमने इस पे कस्टमाइज किया है उसे हम पूरी तरह से रिसेट कर देंगे, जैसे पहले वर्ड था वैसे हो जाएगा। और इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आप इंडिया, जैसे मैंने होम को चेंज किया था तो यहाँ क्लिपबोर्ड फॉन्ट वगैरह है। तो हम चाहेंगे कि इसमें एक और ऐसा क्यों ना हो कि एक अलग से हम एक टैब जोड़ दें, जैसे पहले इसमें बाय डिफॉल्ट था, हम इसमें टैब जोड़ सकते हैं या मेन मेनू हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे है एक न्यू टैब और न्यू ग्रुप। न्यू टैब करेंगे तो होम और रेफरेंसेस जैसे है मेन मेनू उस तरह से आएगा। तो एक न्यू टैब आया, इसे हम चाहे रीनेम कर लें,
पॉपुलर कमांड्स, इस पे हमें क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका पॉपुलर कमांड्स, ये पहले जो न्यू टैब था उसके उसको हमने चेंज कर दिया। अब इसके अंदर जो न्यू ग्रुप है, अब इसमें हम चाहे तो जितना भी कमांड चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इसे भी आप रीनेम कर सकते हैं। कुछ आप इसमें और भी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। अब यहां पे हमें कुछ ऐड करने हैं, तो इसके अंदर जितने भी कमांड हमें ऐड करने हैं हम सब कुछ इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं सभी कमांड जैसे हम चाहते हैं वैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सटर्नल जो कमांड जो हम अपने तरीके से चाहते हैं, तो यहां पे हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप रिमूव भी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मेन मेनू और सब मेनू के को रीनेम भी कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये चीजें आप ओके कर लें, फिर आप देख सकते हैं कि लगभग सारी चीजें चेंज हो गई है। देखिए पॉपुलर कमांड्स मैंने ऐड किया था, उसमें कुछ कमांड्स भी ऐड हो गए हैं। आप इसी में जितने भी बनाना चाहते हैं अलग से कस्टमाइज करके, तो आप यहां से कर सकते हैं। और भी जैसे मैंने ये न्यू ग्रुप बनाया था, इसमें और भी न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जितना भी चाहे न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हैं। और सभी में आप जो भी कमांड डालना चाहें आप कमांड यहां पे डाल सकते हैं, इस तरह से आप कमांड डाल सकते हैं। अब ये हमने चेंज तो कर दिया है, कभी कभी ऐसे हो कि मैं इसे डिलीट कर दूं जितने भी मेन मेनू दिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कभी हम फिर ला नहीं सकते हैं फिर दोबारा अपने तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता कि मैंने क्या क्या डिलीट किया है। तो वर्ड में एक लास्ट ऑप्शन होता है, सारी कस्टमाइजेशन के बाद आप सबसे नीचे ऑप्शन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे कस्टमाइजेशन दिख रहा है रीसेट, इस रीसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, इस पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा ओके या नो, यस करना है आपको। और आप देख रहे हैं कि सारे मेनू जैसे थे पहले वैसे बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया। फिर यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, अभी फिलहाल आपका देख रहे हैं ऊपर चेंज हो गया, मतलब कि हम एमएस वर्ड के मेन मेनू के ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, मेन मेनू को रीनेम कर सकते हैं, उसके सब मेनू को रीनेम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कृपया इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं इसे, आप इसे यूज करेंगे तो अपने दोस्तों को बताएंगे भी, तो उसे भी काफ़ी है ना उत्सुकता होगी इसे सीखने के लिए, तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।